This news is brought to you by Sadhana Dental Clinic and Complete Dental Implant Center, Palampur. Till COVID-19 pandemic, stay home, stay safe. मुंबई व अन्य राज्यों से अपने घर जिला कांगड़ा लौटे 245 लोग रविवार को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन सेंटर राधा स्वामी सत्संग भवन परौर पहुंच रहे हैं। पालमपुर प्रशासन द्वारा इनका घर पहुंचने पर स्वागत किया जा रहा है। इन सभी लोगों की थर्मल स्कैनिंग की जा रही है, अतः इनके कोविड-19 टेस्ट भी लिए जाएंगे। इन्हें एक सप्ताह तक इस संस्थागत क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा तथा इनके सैंपल लिए जाएंगे। सैंपल नेगेटिव आने के बाद इन्हें होम क्वारंटाइन करने के आदेश जिला प्रशासन द्वारा दिए जाएंगे। मुंबई से आए दीपांशु व शारदा भाटिया ने उन्हें घर पहुंचाने के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया है। पालमपुर के एसडीएम धर्मेश रामोत्रा ने बताया कि इस सेंटर में 300 लोगों के रखने की अभी कैपेसिटी है। यहां लोगों को पूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। मेरा नाम दीपांशु है, मैं मुंबई बेलापुर से आया हूँ हिमाचल, और मैं इंदौरा का रहने वाला हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद है हिमाचल सरकार का, जो हमें पहुँचा दिया यहाँ तक, और रास्ते में खाना वाना सब हमें मिलता है, और बहुत बहुत धन्यवाद हिमाचल। ट्रेन जर्नी थोड़ा सा हेक्टिक हो गई सर। ट्रेन जर्नी कैसा है कि बैठने की सीट ही थी, अच्छा स्लीपर नहीं था, सेमी स्लीपर था उसमें, और तीन तीन जनों को एक ही साथ बिठाया हुआ। जी जी जी। तो जैसे ये हमारे पास आते हैं तो सबसे पहले जो हमारा मेन गेट है वहीं पे सारी बसें स्ट्रैंडेड रहती है, उसके बाद एक एक बस करके हम यहाँ बुलाते हैं। तो जैसे ही बस से कोई आता है, बस से उतरने के बाद मैंडेटरी उसे एक हैंड सैनिटाइजर और तीन चार ग्लव मास्क दे दिए जाते हैं, ताकि हो सकता है कि वो पीछे से काफ़ी पुराने मास्क लेके चल रहा हो, तो हैंड सैनिटाइजर और मास्क वो खुद ही उठाता है। आफ्टर दैट हमारा एक जो फर्स्ट उनकी एंट्री रहती है, तो फर्स्ट जो काउंटर है उसमें हम उनकी एंट्री करते हैं, जिससे उसका नाम, एज, उसके कहाँ से वो आया और क्या उसका ग्राम पंचायत वगैरह है, वो इतना कर नोट करते हैं। तो वेरिफिकेशन होता है, हाँ जी, वो सारा आधार कार्ड वगैरह का नंबर भी हम इसमें लिखते हैं। आफ्टर दैट उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट है वो आ जाएगा हमारा हेल्थ स्क्रीनिंग का। तो हेल्थ में हम प्राइमरली जो स्क्रीन करते हैं वो ILI सिम्टम। तो इफ एनी पर्सन फाउंड विद ILI सिम्टम, और उससे पूछ के कि आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं है, अगर कोई ऐसे ILI सिम्टम का आता है तो हमने यहाँ पे उससे आगे एक अलग सा कैबिन बनाया है, तो दैट इज अनदर कंटेन सा एक एरिया बनाया है। हाँ नहीं, इसमें नहीं, हम इसमें उसकी थर्मल स्क्रीनिंग भी करते हैं और मेडिकल चेकअप भी होता है उसका आफ्टर दैट, और उसकी सेल्फ डिक्लेरेशन भी है। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम उसे सिम्टोमेटिक में लेके, पॉसिबल सिम्टोमेटिक उसमें लेके हम उसे एक अलग जगह बिठा देते हैं। और अगर इसके बाद जो अगर मैं कहूँगा कि नॉर्मल अगर निकलता है, तो वो नॉर्मल व्यक्ति हमारा अगले उसमें चला जाता है, जिसमें हम उसे एक टोकन नंबर देते हैं। जो टोकन नंबर है वही उसका चेस्ट नंबर रहता है, वही टोकन नंबर उसका टॉयलेट नंबर रहता है, वही टोकन नंबर उसका बेड नंबर रहता है। ये सिंगल आइडेंटिटी, दिस इज सम सॉर्ट ऑफ यूनिक आइडेंटिटी एट परॉर। एंड इवन यू जस्ट, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये रिपीट भी नहीं होता। जैसे ए ब्लॉक में अगर एक से लेके 300 तक है, तो बी ब्लॉक जो है वो 301 से लेके आगे 600 तक रहेगा, और सी ब्लॉक आगे 600 से लेके 840 तक, ऐसे ऐसे ब्लॉक चलते हैं। आठ ब्लॉक की आती है, प्राइमरली उसकी जो हमारे पास कैपेसिटी है वो 300 की कैपेसिटी है, और आज हमारे पास 245 एंट्रेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं। सारे उसमें कवर, हाँ ये सारे उसमें कवर रहेंगे। तो जैसे भी हमारे जो सिम्टोमेटिक रहेंगे उन लोगों को वहाँ से अलग करके उनको टोकन नंबर देके रेस्ट करने के लिए बोला जाएगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए पालमपुर से राकेश सूद की रिपोर्ट। जी तोल, नमस्कार, मैं तरुण शर्मा, जिला बार एसोसिएशन अध्यक्ष, जिला कांगड़ा का अध्यक्ष हूँ। मेरी सभी देशवासियों से यही प्रार्थना रहेगी व अनुरोध रहेगा कि जो सरकार ने निर्देश दिए हुए हैं कि वो समय समय पर अपने हाथ को सैनिटाइज करें, व समय समय पर जा कभी बाहर जाएं तो मास्क के बिना ना जाएं, और जो भी सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए हैं उन निर्देशों का पालन करें, क्योंकि लॉकडाउन 4 शुरू हो गया है। और हम भी कुछ थोड़ी बहुत मदद लोगों की कर रहे हैं, जैसे राशन वगैरह हम लोगों को गांव-गांव दे रहे हैं, अपने खासकर अपने गांव में, और अपने कुछ वकील भाइयों को भी हम पहुंचा रहे हैं जो कुछ डिमांड कर रहे हैं। कई जगह हम मास्क भी बांट रहे हैं। और मेरी अंत में सरकार से यही अनुरोध रहेगा कि वो हमारे जो वकील भाई हैं, पिछले 2.5 महीनों से
बिना कमाए घर बैठे हुए हैं, तो वो सरकार जो है उनके बारे में कुछ ना कुछ सोचे, मेरा सरकार से यही अनुरोध रहेगा। धन्यवाद। प्यारे मजदूर साथियों, सारी दुनिया इस समय कोरोना महामारी की चपेट में है, सारी मानव जाति कांप उठी है, भयंकर संकट से गुजर रही है। मजदूरों के साथ जो हो रहा है वो अमानवीय है, निंदनीय है। इस संकट में मेरी आप सबसे अपील है कि हम लोग इस कोरोना महामारी से मुकाबला करने के लिए सरकार द्वारा जारी समय समय पर दिए जाने वाले दिशा निर्देशों का पालन करेंगे। हाथ धोना, मास्क लगाकर रखना, सैनिटाइजर का उपयोग करना, सामाजिक दूरी बनाए रखना, ये कुछ मुख्य बिंदु हैं जो हमें इस बीमारी से बचा सकते हैं। हमें कोशिश करनी है सामाजिक दूरी बनाकर रखनी है, एकत्र नहीं होना है, बड़े समारोह में शामिल नहीं होना है, ताकि हम स्वस्थ रहें और मजदूरी कर सकें और अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। सदाना डेंटल क्लिनिक एंड कंप्लीट डेंटल इम्प्लांट्स। डॉक्टर आशीष सदाना, यूएसए ट्रेन्ड MDS, ओरल एंड मैक्सियोफेशियल ट्रॉमा एंड इम्प्लांट स्पेशलिस्ट, डिप्लोमेट एंड गोल्ड मेडलिस्ट डूइंग इम्प्लांट फ्रॉम लास्ट 15 इयर्स। सदाना डेंटल क्लिनिक इंट्रोड्यूसिंग द मोस्ट एडवांस्ड डेंटल क्लिनिक विद लेटेस्ट मशीनरी। डॉक्टर आशीष सदाना 2004 से लेजर मशीनरी द्वारा दांतों की हर समस्या का निदान व इलाज कर रहे हैं। ऑर्थोडोंटिक्स फिक्स ब्रेसिस ट्रीटमेंट फॉर चिल्ड्रन, 1 से 9 साल तक के बच्चों के स्पेशल डेंटल ट्रीटमेंट, सिंगल सीट रूट कैनाल ट्रीटमेंट अंडर माइक्रोस्कोपिक RCT, पेरियोडोंटिक्स स्पेशलाइज्ड डेंचर्स लाइट वेट मटेरियल फ्रॉम USA, इम्प्लांट्स के साथ साथ फिक्स ओवर डेंचर्स। यहाँ पर ब्लीडिंग गम्स के लिए स्पेशल ट्रीटमेंट लेजर टेक्निक द्वारा किया जाता है। हमारे यहाँ पर अल्ट्रासोनिक स्केलिंग भी की जाती है और लेजर टेक्निक द्वारा पीले दांतों को सफेद किया जाता है। इसके साथ मुंह की चोटों व जबड़े की सर्जरी भी की जाती है। अब आपको चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में जाने और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि सदाना डेंटल क्लिनिक पूरे शहर का एडवांस्ड और लेटेस्ट मशीनरी युक्त डेंटल क्लिनिक है। दांतों से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या से परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। सदाना डेंटल क्लिनिक में आएं और अपने दांतों से संबंधित समस्या का इलाज पाएं। सदाना डेंटल क्लिनिक पालमपुर के साथ साथ पपरोला में भी है। हमारा पता है सदाना डेंटल क्लिनिक, बैजनाथ रोड, पालमपुर।